एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। खबर सदर इलाके से, जहां प्रसव के दौरान प्राइवेट अस्पताल में हुई नवजात की मौत, परिजनों की जमकर हंगामा। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। दरअसल यह तस्वीर प्रतापगढ़ नगर कोतवाली के पुराने पोस्टमार्टम हाउस के पास स्थित न्यू जीवन ज्योति हॉस्पिटल का है, जहां कोहड़ौर कोतवाली इलाके की रहने वाली एक महिला प्रसव के दौरान भर्ती कराई गई थी। आरोप है कि एक दलाल के चक्कर में 10,000 रुपए भी ले लिए गए और अस्पताल प्रशासन पूरी तरीके से लापरवाही बरता। नतीजा यह रहा कि प्रसव दौरान नवजात की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और जमकर हंगामा हुआ। सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में कोई प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं था, बावजूद इसके दलालों के चक्कर में पड़कर यह महिला यहां पहुंची थी और इससे 10,000 रुपए लिए गए और प्रसव के दौरान ही नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। सूचना पुलिस के आला अफसरों को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं परिजनों ने मामले की लिखित शिकायत पुलिस से की है। पुलिस मामले में FIR दर्ज कर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया आज़ादी का जश्न। शान से लहराया गया तिरंगा। स्कूल कॉलेजों में ध्वजारोहण के साथ आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम। बता दें, प्रतापगढ़ के पुलिस लाइन में पहुंचे राज्य मंत्री राकेश कुमार राठौर ने ध्वजारोहण किया और पुलिस लाइन में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। इस दौरान सदर विधायक के अलावा पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ लालगंज के SBM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के उपरांत तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें इलाके के तमाम छात्र छात्राएं मौजूद रही। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रतापगढ़ शहर के VS मेमोरियल पब्लिक स्कूल की, जहां आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्र छात्राओं द्वारा लोगों का मन मोह लिया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कई सारे नाट्य रूपांतरण भी किए गए। इसके अलावा पुलिस लाइन समेत जिले के तमाम स्कूलों में भी इसी तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया गया और प्रतापगढ़ शहर में तिरंगा यात्रा भाजपाओं द्वारा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में युवाओं ने प्रतिभाग। सभी लोग इस आज़ादी के पर्व को अपने अपने तरीके से मनाने में जुटे रहे। शहर और गांव के मुख्य मार्गों से होकर गुजरे जुलूसों का लोगों ने स्वागत किया। वहीं सदर इलाके के सगरा में स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने कलाकृतियों से लोगों का मन मोह लिया। स्वतंत्रता दिवस के रंग में पूरा देश रंगा हुआ था। हर ओर उत्साह और उल्लास का माहौल रहा, जिसमें हजारों की संख्या में युवा शामिल हुए। हाथों में तिरंगा थामे युवा देशभक्ति से ओतप्रोत नारे लगा रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की खबर, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अधिकारी एकादश बनाम स्टेडियम एकादश के मध्य खेला गया क्रिकेट मैच। जिलाधिकारी ने किया बैटिंग। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अधिकारी एकादश बनाम स्टेडियम एकादश के मध्य मैत्री क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें अधिकारी एकादश ने स्टेडियम एकादश को 5 रनों से शिकस्त दे दी। अधिकारी एकादश के कप्तान जिलाधिकारी प्रकाश चंद श्रीवास्तव रहे और वहीं स्टेडियम एकादश की कप्तान पूनम लता राज क्रीड़ा अधिकारी प्रतापगढ़ रही। टॉस जीतकर स्टेडियम एकादश ने पहले अधिकारी एकादश को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अधिकारी एकादश ने 20 ओवरों में 160 रनों का लक्ष्य तैयार किया, जिसमें रणवीर सिंह ने 51 रन, पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने 34 रनों का योगदान दिया। स्टेडियम की तरफ से खुर्शीद ने 2 सफलता अर्जित की। लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्टेडियम एकादश की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर मात्र 156 रन ही बना सकी, जिसमें विक्रम सिंह 40 और सचिन शुक्ला ने 25 रनों का योगदान दिया। अधिकारी एकादश की ओर से कमलेश वरुण ने 6 सफलता अर्जित की। मैच का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया ने किया और दोनों टीमों को जीतने की शुभकामनाएं दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अंतुलिया के खबर की, जहां 35 वर्षीय युवक के गायब होने पर पुलिस ने दर्ज किया गुमशुदगी की रिपोर्ट। परिजन तलाश में जुटे। बता दें कि मामला अंतु कोतवाली इलाके के छतरपुर पूरे खंडेराय का है, जहां का रहने वाला राम मूरत सिंह, जिसकी उम्र 36 वर्ष बताई जा रही है, 10 अगस्त 2003 बृहस्पतिवार सुबह अपने घर से साइकिल लेकर निकला, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने शिकायत अंतु कोतवाली पुलिस से की। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लोगों से अपील किया है कि यदि यह व्यक्ति कहीं पर भी नजर आए तो इसकी सूचना प्रतापगढ़ पुलिस के CUG नंबर 9454400300 या फिर परिजनों के मोबाइल नंबर 9918543796 पर देने की कृपा करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर SP सिंह शिवपाल सिंह पटेल, पूर्व सदस्य विधान परिषद एवं संस्थापक लखनऊ पब्लिक स्कूल। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को नमन।
नमन व श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही समाजवादी पार्टी के समस्त पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की ओर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।